फ्रेंड्स, मैं प्रदीप अमल आज आपके लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में कुछ जानकारी लेके आया हूँ। इसमें लाइन डायग्राम क्या होता है और पावर डायग्राम क्या होता है और उसके कनेक्शन कैसे होते हैं, इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पावर डायग्राम के बारे में। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पावर डायग्राम है। इसमें कनेक्शन क्या होते हैं, इस पावर डायग्राम में जो हमारा मेन सप्लाई आती है फॉर थ्री फेज के लिए, 440 वोल्ट थ्री फेज होते हैं जो मोटर के पास जाते हैं। कॉन्टैक्टर होते हैं, हमारे मेन कॉन्टैक्टर है, ये हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है, ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है। तो इसमें जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। पहले मैं एमसीबी से हमारे तीनों फेस आते हैं मेन कॉन्टैक्टर में, मेन कॉन्टैक्टर से तीनों फेस मोटर के पास चले जाते हैं। उसी तरह पैरेलल कनेक्शन हो के इसके साथ में ये हमारा डेल्टा के साथ अटैच हो जाता है और नीचे फेस चले जाते हैं और ये हमारा कनेक्ट हो जाता है जो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है। इसमें हम ऊपर से इसको शॉर्ट कर देते हैं तो ये स्टार कनेक्शन यहाँ पे बन जाते हैं। इसमें हमें जो ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, जो मोटर होती है हमारी, उसमें तीन कॉइल होती हैं, यू वी डब्लू। हम उसको यू वी डब्लू से हम उसको उसका नाम हम दे देते हैं। और एक कॉइल होती है उसमें दो एंड होते हैं, एक को हमने यू वन कर दिया, एक को वी वन कर दिया है। उसी तरह यू वन वी वन डब्लू वन, तो यहाँ पर हमने यू वन वी वन और डब्लू वन को रखा है जो डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट होंगे। यहाँ हमने ये देखिए, ये हमारा जो डब्लू वन है ये ब्लू के साथ था बट यहाँ पे ये येलो के साथ हो गया है। वी जो हमारा है यहाँ येलो के साथ था, ये रेड के साथ हो गया है। तो जो हम मोटर के कनेक्शन करते हैं उसको हमें चेंज कर देना है, जैसा कि डेल्टा कनेक्शंस में होता है। अगर आप जो ये वीडियो है, वीडियो देखते हुए अगर आप अपना जो मोटर का कनेक्शन करेंगे तो इजीली आप कर पाएंगे। तो इसके बाद में आता है हमारा जो लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम क्या होता है, चलो उसको देखते हैं। दोस्तों, पावर डायग्राम के कनेक्शन एक ही तरह से होते हैं। जो लाइन डायग्राम है उसके कनेक्शन हम दो तीन तरीके से कर सकते हैं, उनमें से एक तरीका मैंने आपको यहाँ बताया है। इसको जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्टार डेल्टा स्टार्टर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का प्रयोग होता है। इसमें एमसीबी का प्रयोग होता है, ओवरलोड रिले का यूज होता है, ऑफ स्विच, ऑन स्विच, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, टाइमर एंड मेन कॉन्टैक्टर। तो इन सब चीज़ों का यूज होता है और अभी जानते हैं इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं, हम बाद में भी कर सकते हैं बट जो मैंने अपना बनाया है उसमें मैंने पहले न्यूट्रल को एमसीबी से पावर लेके टाइमर हो गया है। A2 है, A2 हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हमने सप्लाई दे दिया है। अभी किसी भी कॉन्टैक्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें फेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो फेस को कैसे कैसे देना है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले ये ओवरलोड रिले में आएगा, ओवरलोड रिले के NC में, उसके बाद में वहाँ से आउट होके ये ऑफ स्विच, ऑन स्विच और टाइमर में होते हुए ऑक्जिलरी जो कॉन्टैक्ट होता है हमारा, NO कॉन्टैक्ट होता है जो नॉर्मली यहाँ पर रहता है, ये इसके साथ में अटैच ही रहता है। इसके साथ कनेक्ट होते हुए ये A1 में चला जाएगा। तो जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं तो ये डायरेक्टली भी, जैसे यहाँ से सप्लाई यहाँ पे होते हुए ये इससे कनेक्ट है, डायरेक्ट इसके अंदर चला जाएगा। जैसे ही कॉन्टैक्टर के अंदर सप्लाई जाएगी, जो हमारा NO कॉन्टैक्टर है वो NC हो जाएगा और
जो पावर है वो यहाँ से होते हुए ये इसके अंदर चली जाएगी। उसके बाद में आती है हमारे स्टार कॉन्टैक्टर की बारी। जैसे हमारा मेन कॉन्टैक्टर चार्ज होता है, उसके साथ में ही टाइमर भी एक्टिवेट हो जाता है और एनसी पॉइंट से स्टार पॉइंट में पावर हमारी चली जाती है। हमें एनसी टाइमर के एनसी से स्टार को कनेक्ट करना है, फिर टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है और हमें उसके एनओ को डेल्टा कॉन्टैक्टर से कनेक्ट करना है, उसके A1 पॉइंट से। जो A1 और A2 ये कॉइल है हमारी, कॉन्टैक्ट की जो कॉइल है उसके दो पॉइंट्स हैं। ये अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टैक्ट में, अलग अलग मेक में। तो ये हमारा जो पार्ट वन का जो स्टार डेल्टा का लाइन डायग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इसके अंदर कोई क्यूरी है आपकी तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में मार्क कर सकते हैं। पार्ट टू में मैं आपके लिए एक्स्ट्रा सेफ्टीज के साथ होता है, मैं जल्दी आपके लिए पार्ट टू भी लेके आऊँगा। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू।